नाइन्थ क्लास का जो पहला अध्याय है वैदिक गणित, वैदिक गणित पूर्व के आदि शंकराचार्य स्वामी भारतीय द्वारा वैदिक गणित की रचना की गई है। इसके बारे में बेसिक जानकारी आप क्लास 8 में ले चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम वैदिक गणित के आपके चैप्टर में प्रश्न माला 1.1 का पहला सवाल है एकाधिकेन पुरेण द्वारा योग। इसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्र होते हैं। इन 16 सूत्रों में से सबसे पहला सूत्र आता है एकाधिकेन पुरेण। तो आज के इस वीडियो में हम सूत्र एकाधिकेन पुरेण के प्रयोग से योग किस तरह से करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। एकाधिकेन पुरेण ये सब दो शब्दों से मिलकर बना है, एकाधिक एकाधिक और पूर्ण, एकाधिक और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यह हो गया एकाधिक, एकाधिक का मतलब होता है एक का अधिक, एकाधिक का मतलब होता है एकाधिक। जिस तरह से यहाँ पर 12 कहते हैं 12 का एकाधिक, 12 का एकाधिक का मतलब होगा 12 से एक अधिक, 12 से एक अधिक क्या हो जाता है एक बराबर बनते हैं। एकाधिक का मतलब होता है इस तरह का एक डॉट बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं एकाधिक। ये डॉट होता है ये अंदर वाला डॉट, इसको बोलते हैं एकाधिक। ये जिस संख्या के ऊपर लगा होगा, जिस तरह से ये 12 है इसके ऊपर एक डॉट लगा तो इसका मतलब क्या होगा 13। मतलब यहाँ पर 7 है इसके ऊपर एक डॉट लगा इसका मतलब होगा 8। तो ये होता है एकाधिक का मतलब। ये तो हो गया आपके एकाधिक का मतलब पूर्व। अब नेक्स्ट आता है पूर्व, पूर्व का मतलब आता है इसका मतलब होता है से पहले का, से पहले का ये होता है पूर्व का मतलब। से पूर्व मतलब से पहले का मतलब यहाँ पर एक संख्या हमारे सामने जिस तरह से हम लेते हैं 125। अब इसमें पूर्व एक पांच, यहाँ कहते हैं पांच का पूर्व एक अंक कौन सा है, इसका पांच पूर्व पहले का, इससे पहले अंक कौन सा है 2, तो इसका हो जाएगा 2। इस तरह से पूर्व का मतलब होता है 2। तो ये जो थ्योरी है हम उसको प्रैक्टिकल में और ज्यादा समझ सकते हैं, तो इसके मतलब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल में हम इसकी और अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो प्रश्न माला 1.1 आपका पहला सवाल में संख्या दी गई है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 9, 8। इसको हमें जोड़ना है, नॉर्मल जोड़ तो हम इस तरह से जोड़ते हैं 7, 5, 12, 12, 2, 14, 14, 3 इस तरह से हम नॉर्मल जोड़ करते हैं। लेकिन सूत्र एकाधिकेन पुरेण द्वारा किस प्रकार से जोड़ते हैं वेदिक के लिए, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक अंक जोड़ते हैं इस तरह से, और जहां पर योग हमें 10 प्राप्त हो जाता है, मतलब जहां योग हमें 10 प्राप्त हो जाता है वहां पर आपको इसके पूरे अंक, उसके पूरे अंक मतलब जहां योग 10 हुआ उस यहाँ मतलब 7, 7 और 5 हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 12। 7, 5 को जोड़ेंगे हम तो प्राप्त होगा 12। ये 10 से अधिक है, 10 से कितना अधिक है 2, तो मतलब यहाँ से 10 से अधिक होने पर पार्शल संख्या, ये 7 जोड़ा 7 ही पार्शल संख्या 1, इसके ऊपर एक एकाधिक लगा देंगे, यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे यानी एक एकाधिक लगा देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमने एकाधिक लगा दिया, 7, 5 होंगे 12, 12 में से 10 का तो हमने एकाधिक लगा दिया, किसी कितने बचे 2, कितने बचे 2, तो हमको 2 को ही काउंट करना है मतलब 2 को ही जोड़ना है, तो यहाँ पर हो गया 2। अब 2 में हम कौन सी संख्या, इन दोनों संख्या जोड़ देना है जो मेरे काम मौजूद है, तो उसके अंदर 2 में 2 जोड़ देंगे, 2 2 4 4 है तो 10 से छोटे तो आगे जोड़ बढ़ा देंगे, 4 में हम 3 जोड़ते हैं 7, तो यहाँ पर 7 लिख देते क्योंकि ये
दस से छोटे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप सेम यही प्रक्रिया है, यहाँ पर संख्या छह, ये डोर टू डोर का मतलब एकाधिक होता है, मैंने पहले बताया था एकाधिक, इससे एक अधिक, तो एक से एक अधिक कितना हो गया दो, तो छह छह दो आठ, आठ हो गए, आठ में हम दो जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे नौ दस, ये दो जोड़ने पर हमें कितने प्राप्त होते हैं दस, जो कि दस आने पर हम क्या करते हैं एकाधिक लगा देते हैं पूर्वालंक पर, दो का पूर्वालंक कौन सा है पांच, तो यहाँ पर एक एकाधिक लगा देंगे, यहाँ पर दस का हमने एकाधिक लगा दिया, यहाँ पर क्या बता शून्य, तो हम शून्य का आगे काउंट करेंगे, शून्य तो शून्य आगे क्या है चार, तो चार पर यहाँ पर चार देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप सेम है, सात और दो नौ, सात आठ नौ, नौ और एक एकाधिक दस, यहाँ पर हो गए दस, दस दस से पांच पंद्रह, इसको टोटल को काउंट करना, मतलब ये तीनों संख्याओं को काउंट ही करना, या नहीं कि सात दो आठ नौ गए, नौ एकाधिक हो गए दस, तो इसका हम एकाधिक कहाँ पे लगाएंगे, इसका मतलब क्या होगा सात दो सात दो नौ, नौ और छ पंद्रह, पंद्रह हो गए दस से अधिक है तो दस के यहाँ पर एकाधिक लगा देंगे, असल संख्या नौ है यहाँ पर एकाधिक लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचा पांच, पांच के आगे क्या जोड़ेंगे पांच, पांच पांच दस, यहाँ पर भी कितना हो जाएंगे दस, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे एकाधिक, पीछे क्या बचा शून्य, तो यहाँ पर भी ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप आठ और तीन ग्यारह, तो यहाँ दस से अधिक है तो यहाँ पर एकाधिक लगा देंगे, यहाँ पर पीछे कितना मतलब दस माइनस ये ग्यारह में, ग्यारह माइनस दस का यहाँ पर लिख दिया बता एक कर दस ग्यारह, वापस एक एकाधिक लगा देंगे, पीछे कितना बता एक, एक में एक जोड़ेंगे दो, यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट सेम स्टेप नौ और एक दस, यहाँ पर ध्यान रखना आप, यहाँ पर दस हो जाते लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से शून्य लगाएंगे, यहाँ पर शून्य लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा, किसी भी संख्या के आगे यदि शून्य लगता है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका जो मेन वैल्यू है वो वहीं पर ही रहेगी, उसकी वैल्यू कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ पर शून्य लगा देते हैं, तो नौ और एक हो जाएगा दस, दस अच्छे सोलह, सोलह यहाँ पर एक अधिक लगा रहे, कितने बचेंगे छः, छेर एक डॉट हो गए सात, सात आठ पंद्रह, तो पंद्रह यहाँ पे एक अधिक पीछे बचेंगे पाँच, पाँच और छः ग्यारह, ग्यारह ये एक अधिक लगेगा पीछे बचेंगे, यहाँ पर तीन है एक दो तीन, यहाँ पर तीन, तो ये हो जाएगा आपके आंसर। अब इसकी आंसर की जांच हम नॉर्मल जोड़ से भी कर सकते हैं, देख लेते हैं सात पाँच बारह, तेरह चौदह, चौदह तीन सत्रह, यहाँ पर देखिए सात हाँ से लगा एक, छह एक सात, सात एक आठ, आठ दो दस, दस चार चौदह, चौदह एक चार हाँ से लगा एक, सात एक आठ, आठ दो दस, दस पाँच पंद्रह, पंद्रह पाँच बीस, बीस का लगा शून्य हाँ से लगा दो, आठ दो दस, दस तीन तेरह, तेरह दस तेईस, तेईस माइनस एक बाईस, बाईस का लगा दो हाँ से लगा दो, नौ दो ग्यारह, ग्यारह आठ छः सत्रह, सत्रह आठ, सत्रह में हमको सत्रह में जोड़ देते हैं हम आठ, सत्रह आठ तीन बीस, बीस तीन तेईस, तेईस आठ इकतीस, इकतीस यहाँ पर इकतीस लिख दिए, तो मतलब नॉर्मल जोड़ करो या फिर ये वेदिक मैथ, वेदिक मैथ में आपके एग्जाम में यदि आप सवाल सॉल्व करते हो तो ये आपको ये नोट ये जो एकाधिक है वो लगाना आपको जरूरी है, इस प्रकार से ये आंसर हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण लेते हैं, संख्या आपके दोनों सेम ही है, यहाँ पर देखिए इसमें से दूसरा सवाल है वो इसी तरह से होगा, आप इसी विधि से कर सकते हैं, इसमें तीसरा सवाल में आपके किलोग्राम और ग्राम दिया गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है की ग्राम, यहाँ पर लिखा गया है ग्राम, ठीक है, यहाँ पर 178 और नेक्स्ट स्टेप लिखा है 45 और उसके बाद में 246 और 725, आप संख्या मिला लेना 569 और इसके किग्रा हमें दिया गया है 188, उसके बाद में 45 वो 800, ये सवाल है किलोग्राम और ग्राम, इस तरह से आपका तीसरा सवाल दिया गया है,
अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो स्तंभ होते हैं, यहाँ मतलब यहाँ संख्या दो है, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पर, तीन यहाँ पर, दो तीन तीन, तो इन स्तंभों को सबसे पहले हमें समान करना। तो हमने पहले बताया था इसके संख्या आगे शून्य लगाने से संख्या में विलीन कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ पर लगा देते हैं शून्य और यहाँ पर भी लगा देते हैं, ये हो गए तीन तीन के स्तंभ समान। तो हमें स्तंभ इसको समान करना। उसके बाद जिस तरह से हमने पहला सवाल किया था उसी तरह से हम इसको भी जोड़ लेंगे। जिस प्रकार पांच पांच दस, यहाँ पर 10 हो गई तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे, यहाँ पर 10 शून्य, 8 8 4 12, तो यहाँ पर से डॉट लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2। उसके बाद में 4 4 3 7, 7 8 15, तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे 5, 5 और 10, 5 और 10 हो जाएंगे 15, तो यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। उसके बाद में 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 18, 10 से अधिक है तो मतलब पास वाली संख्या पूर्ण संख्या, यहाँ पर एक जोड़ लगा देंगे और यहाँ पर बता 8, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में इसको काउंट कर लेंगे, यहाँ पर 8, 8 और 6, 8 और 6 को हमें जोड़ना, 8 6 हो जाएंगे 14, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर लगा देंगे 2, यहाँ पर बता 4, 4 और 9 13, यहाँ पर एक डॉट लग जाएगा, पीछे बचे 3, 3 और 6 9, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में 7, 7 और 1 7 5 12, ये क्या हो जाएगा 7 5 12, यहाँ पर डॉट लग जाएगा, यहाँ पीछे बचेगा 2, 2 और 7 9, 9 और 4 13, तो यहाँ पर डॉट लग जाएगा और यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद में 1 2, 2 2 4, 4 5 9, 9 और 1 10, यहाँ पर शून्य लग जाएगा। वापस काउंट कर लेते हैं, 1 2, 2 2 4, 4 5 9, 9 और 1 10, 10 में शून्य जोड़ेंगे 10, 10 आ गए तो यहाँ पर एक अधिक लगा दिया और यहाँ पर शून्य लिख दिया और यहाँ पर लिख देंगे 1। इस प्रकार से हमारे आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं, मतलब प्रश्नमाला 1.1 में पहला सवाल है कि सूत्र रेखा अधिकांश द्वारा योग कीजिए। आप इस विधि का प्रयोग करके इस तरह से कोई भी सवाल हो आप इस तरह से उसको हल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पर ग्राम और किलोग्राम हो, यहाँ पर मीटर भी हो सकता है, कुछ भी आपको यहाँ पर दे सकते हैं, किलोमीटर मीटर भी दे सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो स्तंभ होता है इन स्तंभों को बराबर करना है। स्तंभ बराबर करने के लिए आपको उसके आगे शून्य लगा देना, नहीं कि पीछे, पीछे शून्य लगाने से इसका मान चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू में परिवर्तन हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। इस प्रकार से आप इनको सरल कर सकते हैं। आज सूत्र एकाधिकरण पूरण के द्वारा योग कैसे करते हैं इस वीडियो हमने ये सीखा है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको उदाहरण दिए गए सवाल और साथ में 1.1 के जो पीछे दो सवाल बचे हैं उनको अपने तरीके से इसको सरल करना है। जो मेथड मैंने इस वीडियो में बताई है उस मेथड का आप प्रयोग कर सकते हैं।